they can do their work soon. हाँ ये रहेगा. इसके बाद थर्ड बोलो. You say to me. You are a brave boy. इसका हो जाएगा. You tell me that I am a brave boy. इसके बाद बोलो. Radha will say to me, I will help your brother. क्या हो जाएगा? Radha will tell me. Will हाँ. Will. तो Radha will tell me that she will. She. I क्या हो जाएगा? She. She will help. Your का क्या हो जाएगा? My. My brother. Yes. और भी था. The last question. I say. रुको एक सेकेंड, इसको ऊपर कर देते हैं. अब लास्ट कर. Yes sir. अब बोलो. I say. हाँ. I say. Honesty is the best policy. चलो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा. I say. That. I say that. I say that वही रह जाएगा. Honesty is the best policy. Yes sir. Best policy. Third person no change. हाँ third person में है तो no change होगा. ठीक है. Homework check होगा सब किसी का. अब हम आगे पढ़ते हैं. चलो ठीक है. हम एक रूल बताते हैं. TDS. एक चीज समझो जरा. हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले. yes. उसको डिस्कस कर लेते हैं. उसको आराम से समझाते हैं. TDS का रूल. I say to her, I am going. ठीक है. ये क्वेश्चन है. इसको जब हम करेंगे कन्वर्ट तो क्या करेंगे? I tell. और आगे क्या करेंगे? I tell her that. I का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड. I am going नहीं बल्कि you are going करो. You are going. You are going. अब हम देखेंगे तो I tell her that you है तो हम क्या देखेंगे? She को. हर को देखेंगे तो हो जाएगा she. She is going. ठीक है. अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिस्टम ये है. यहाँ जो है यहाँ का तरीका ये you है तो you के चलते हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को. यू सेकेंड पर्सन में है तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे. तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है. ये यू किस में है? यू है नॉमिनेटिव केस के अंदर. मतलब कि एज ए सब्जेक्ट है तो हम इस हर को भी ले आएंगे नॉमिनेटिव में. ये हो जाएगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी हो गया है जो कि सी नॉमिनेटिव केस में होता है. सी होता है नॉमिनेटिव केस में. तो हम क्या कर दिए? यू का यहाँ पे हम सी कर दिए. और हम यू का सी क्यों किए हैं? यू हम है तो देखेंगे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में हर है तो हम हर को सी कर देंगे. इस तरह से हमारा हो जाता है. और सेकंड पर्सन हो तो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं. क्वेश्चन देते हैं जरा उसमें देखो कि इसमें क्या करेंगे. यहाँ देखो आई से टू नहीं रहेगा, सीधा आई से रहेगा. और अब देखो आई से यू आर स्मॉल में हो गया, कैपिटल में रहेगा. You are going. TDS लगाएंगे. हाँ. You are going. अभी सेंटेंस को जो हम बनाएंगे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? I से. यहां तक तो हम कर दिए. इसमें तो से टू नहीं है कि हम टेल करेंगे. I से कर दिए. और हम यहाँ पे डेट भी कर ले गया. अब यू है तो हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे. ऑब्जेक्ट इसमें दिखाई पड़ रहा है? नो सर. दिखाई पड़ रहा ऑब्जेक्ट नहीं है. नो सर. तो फिर क्या करेंगे? अब तो फंस गए हम. इसलिए पहले देखो कि जब सेकंड पर्सन है उसमें, जैसे कि हम ड्रो करके समझा रहे हैं. यहाँ देखो जब ये सेकंड पर्सन में है तो तुमको ये देखना है कि इसमें
ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ पे है कि नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, yes. नहीं है तो हमको इसमें करना पड़ेगा टीडीएस, अब हमको इसमें ट्रांसफर्ड इनटू डायरेक्ट स्पीच. अब टीडीएस होता क्या है इसको समझो, यहाँ पे इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं फिर हम नेक्स्ट ड्राइंग फिर हम दूसरा बनाते हैं. इसमें हो जाता है कि आई से यू आर गोइंग, यू आर गोइंग. अब देखो अब इसमें हमको टीडीएस करना पड़ेगा, तो टीडीएस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी कॉन को दोबारा लिख देना है. आई से टू कुछ भी कर लो, यहाँ पे हर कर दो या यहाँ पे हम हिम भी कर सकते हैं, हर हिम. इसके बाद से हम देंगे यहाँ पे कॉमा, तब करेंगे यू, इसको फिर उतार दो पूरी तरह से, इनवर्टेड कॉमा. यू आर गोइंग. अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ हमको ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, ये जो हम किए यहाँ पे आई से के बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे आई से के बाद टू हिम या हर अपने से हम डाले हैं, इसलिए कि सेकेंड पर्सन जब है तो हमको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट में अगर तुम हर लेते हो यहाँ पे कुछ और आएगा यहाँ पे, और तुम अगर हिम लेते हो तो इसके जगह पे यहाँ पे कुछ और आएगा, उसके अनुसार हम यहाँ पे कन्वर्ट करते जाएंगे. यहाँ देखो ये यह हो जाएगा आई. अब हम कन्वर्ट करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो. आई टेल आई, चलो हम हर लेते हैं तो आई टेल हर, और अगर हम हिम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आई टेल हिम. ये तो डेट हो जाएगा. अब इसके बाद देखो बाबू, अब बाबू इसके बाद देखिए, अगर हम हर को लेते हैं तो यहाँ पे यू के जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा. वेरी गुड, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि नॉमिनेटिव केस में ही रखना है, केस नहीं चेंज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही. और अगर हम हिम को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ही. और शी के साथ भी इज होता है और ही के साथ भी इज ही होता है, तो इज कर देंगे और गोइंग कर देंगे. तो देखो क्वेश्चन हमारा कहाँ था, इसको हम नहीं देना चाहते, देर से आ रहा है उमर फारूक, देर से आ रहा है. ये हम क्या किए, आई टेल यहाँ पे हर, ये हर को हम अगर समझे हैं, हर लिए हैं तो यहाँ पे उसके लिए सी कर दिए, और यहाँ पे अगर हम हिम को समझे उसके लिए यहाँ पे ही कर दिए. हाँ तो यहाँ पे देखो ये तो था हमारा डायरेक्ट में, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट में था, इसको हम किए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे टीडीएस किए और यहाँ पे हम क्या कर दिए, इन डायरेक्ट में कर दिए. हम नोट पैड दे लेंगे ना, राइटिंग पैड दे लेंगे तो ये माउस से लिखने का झमेला खत्म हो जाएगा, माउस से साफ साफ नहीं लिखा पाता है, कोई बात है तुम लोग भी समझ ही रहे हो. ओके अब हम इसको क्लियर करते हैं और कुछ और क्वेश्चन देते हैं और तुम लोग बनाओ तुरंत. हम सब में से देते हैं मिलाकर, दे से टू हर, योर ब्रदर इज आवर, योर ब्रदर इज आवर फ्रेंड, ठीक है. से टू मी, राम से टू मी, आई एम डूइंग योर वर्क, ये रहेगा. और तीन ही क्वेश्चन देंगे हम, तीसरा क्वेश्चन रहेगा You say to me, you are doing my work. चलो इसको बनाओ. हम अभी टाइम कितना हो रहा है, 30 हो रहा है ना, ठीक है सर, बन गया. यस सर, ठीक है. ओके ठीक है, ठीक है सर, बन गया. आराम आराम से करेंगे, तो ये मत सोचो तभी तक हम चेंज ऑफ टेंस में नहीं आए, तो आराम आराम से करेंगे, एग्जांपल खूब देंगे ताकि तुम लोग हर सिचुएशन में से सवाल बना सको. तब हम कल शुरू करेंगे चेंज ऑफ टेंस, और चेंज ऑफ टेंस जब करेंगे तो उसमें सेट जब रहेगा तो बहुत सारा बदलाव आएगा, ठीक है, इसके बाद जब क्लास आएगा तब. ओके अब हम इसका आंसर बनाते हैं. बन गया सर. ओके वेट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू राइट आंसर एंड यू हैव टू मैच योर आंसर. दे टेल हर दैट आवाज नहीं बाबू, आवाज यहाँ से आ रहा है, बंद कर लो. ये देखो हो गया इस तरह से. यस सर, राम सेज टू मी, राम
tails. Tails means that he is doing his work. Yes, doing work. Time. Okay. Doing. Then I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा he. हाँ he हो जाएगा. He is doing. He. My work. He. नहीं your है तो हाँ my होगा बिल्कुल सही. Yes, my हो जाएगा. That's right. के बाद थर्ड यू से टू मी इसका हो जाएगा यू टेल हाँ यू टेल्स नहीं यू टेल मी यू के साथ ये सेकंड पर्सन में है सेकंड पर्सन में वर्ब लगाते हैं तो यू टेल मी दैट क्या हो जाएगा यू है तो आई हो जाएगा आई एम यहाँ पे ए नहीं होगा आई एम डूइंग यहाँ पे ए गलती हो गया था यू आर आई एम डूइंग वेरी गुड तुम्हें बहुत तेज हो गया है ऑनलाइन पढ़ाई में चलो अच्छा ठीक है चलो इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी अगर हेल्प करेगा बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है अभी ओके चलो तो यहाँ पे देखो सेट टू करते यहाँ पे हम टेल कर दिए सेट टू गया इसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा गया यहाँ पे क्या आया डेट आया और यहाँ पे योर ब्रदर है तो यहाँ पे योर है सेकंड पर्सन में है तो हम क्या कर दिए हर कर दिए इसी के अनुसार हर ब्रदर देखो पॉजिटिव केस में है तो यहाँ भी हम पॉजिटिव केस ही डाले हैं हर ब्रदर की तो रहेगा ही थर्ड पर्सन में है तो और आवर यहाँ देखो आवर है तो फर्स्ट पर्सन तो यहाँ देखना पड़ेगा ये दे है तो इसका हो जाएगा दे आर वेरी गुड और फ्रेंड हो गया राम टेल्स यहाँ पे सेज टू काम बताए थे टेल्स यहाँ पे टेल्स हो जाएगा मी जैसे था वैसे है ये हटेगा यहाँ पे डेट आया आई फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट को देखेंगे राम है तो यहाँ पे नाम को रिपीट नहीं करना बल्कि उसके बदले लगाना है प्रोनाउन यहाँ पे ही हो जाएगा और आई के बगल में एम था यहाँ पे ही के बगल में इज हो जाएगा डूइंग हो गया और योर है सेकेंड पर्सन में है तो यहाँ देखो मी दिखाई पड़ेगा उसका मी का हो जाएगा माय कौन है नो चेंज वैसे रहेगा अब देखो यू से टू मी से टू जो है यहाँ पे टेल हो जाएगा और ये कोमा हटा डेट रहेगा इन्वर्टेड कोमा है यू हटेगा यू सेकंड पर्सन में है मी के अनुसार यहाँ पे आई हो जाएगा आई और यहाँ पे यू किस जगह आर था की जगह एम हो जाएगा डूइंग जैसे था वैसे आया और माई है तो माई का योर क्यों हुआ कि माई फर्स्ट पर्सन में है तो हमको देखना है ये यू देखना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट देखना है यहाँ पे योर हो जाएगा इस तरह से हमारे का ठीक है अब हम देते हैं टीडीएस वाला और होमवर्क तुम लोग बनाओ जो भी क्लास होता है उसको हम डालते हैं यूट्यूब पर yes, sir. उसके बाद हम तुम बनाते हैं है तुम्हारे ग्रुप में और ग्रुप में से देखकर वो लड़का बहुत बढ़िया से होमवर्क बना लेता है टीडीएस का एक क्वेश्चन यू शुड हेल्प मी दे You must do your homework. चलो बनाओ इसको ये दो क्वेश्चन है बनाओ इसके बाद वाले क्लास में हम लोग चेंज ऑफ टेंस करेंगे वेरी गुड सब पेन लेकर बैठा है सब बन गया सब बैठा है वेरी गुड सर ओके वेरी गुड और सबको बनाए दो और सभी अपना अपना कोशिश कर ले बना ले वेरी गुड समीर खान तुम्हारा आवाज हम सब समझ रहे हैं सबमिट करो और सबको पढ़ने दो तुम लोग स्मार्ट बोर्ड पर भी ऐसे ही करते हो जब हम दिखाते हैं आंसर तो कुछ बच्चा बोलता है और कुछ बोलता है सर नहीं लिखे अभी मिटा दें कुछ कुछ बच्चा बोलता है मिटाइए ना सर आगे लिखना है कुछ बोलता है सर अभी नहीं लिखे रुकिए यस सर कोई बात नहीं ओके अब हम बताएं इसका आंसर यस सर इसका आंसर बताते हैं जो दिया जिससे हम टीडीएस करेंगे तो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं सेल ओके यहाँ पे मी छिपा हुआ है मतलब कोई कहता है तुम्हें मेरा हेल्प करना चाहिए तो कोई मुझसे कहता होगा ना यहाँ पे मी छुपा हुआ है कि सेज तू मी छुपा हुआ है तो ये टेल्स मी कर देंगे दैट आई शुड हेल्प हिम भाई नहीं आई शुड हेल्प हिम him help you him यहाँ पे भी है him हो जाएगा okay yes sir इसके बाद अब देखो 3 मिनट और टाइम बचा है this से क्या हो जाएगा they tell yes they tell me
me that I must do my homework. You have to do my homework. My homework. Must. My homework. 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 Yes, sir. Sahi hai, sir. Sahi hai, sir. Very good. Well, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ. He says to me, I am your brother and sir, my brother. देखो इसमें लग गया क्लॉज, लग गया इसमें लग गया कंजंक्शन. हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सर बन गया. वेरी गुड. इज माय ब्रदर, इज ब्रदर. बन गया. ओके हम बताते हैं, अब हम बता देते हैं तो टाइम भी टाइम अप हो जाएगा तुरंत. ही टेल्स मी दैट, मी दैट आई को जाएगा ही. अब देखो बहुत ही आसान है. इससेज तुम यहाँ पे देखो आई है तो आई का तुम यहाँ पे ही कर लेंगे, यहाँ पे ही हो गया था. और उसके बाद से योर है, योर है तो सेकंड पर्सन देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, उसका माई हो जाएगा ब्रदर. एंड जैसे था, एंड जैसे था वैसे यहाँ पे एंड रह गया. अब यू है तो फिर यहाँ पे मी है तो मी के अनुसार कर देंगे आई. और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है माई है तो माई है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, माई है तो कर देंगे ठीक है.